हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि LHB कोचेस के जो चक्कों में डिस्क ब्रेक होते हैं वो आखिर कैसे काम करते हैं। अब अगर आप LHB कोच जो कि रेड वाले होते हैं और ICF कोच जो कि पुराने ब्लू वाले होते हैं, इन दोनों में अगर आप गए होंगे तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो रेड वाले कोचेज हैं ये बहुत जल्दी रुकते हैं ब्लू वाले कोचेज के मुकाबले। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको इसका सीधा सा आंसर देता हूँ, क्योंकि इसके जो चक्के हैं तो इनके चक्कों में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली कहते हैं एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक। अब एक्सल क्या है? एक्सल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वन पेयर ऑफ व्हील्स, मतलब कि दो चक्के। तो इन दोनों चक्कों के पास दो डिस्क लगी होती है। और अगर आपने डिस्क ब्रेक वाली साइकिल, कार, बाइक कुछ भी चलाई होगी तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व तो करी होगी कि डिस्क में ब्रेक बहुत जल्दी लगते हैं और वो गाड़ियाँ बहुत जल्दी भी रुकती है। तो सेम चीज़ अभी ट्रेन में भी आ चुकी है। अब जो LHB कोचेस की जो बोगी रहती है उसे हम कहते हैं फियट बोगी, मतलब इसका नाम ही है एक्चुअली एक। अब बोगी क्या है? दो एक्सल, चार व्हील्स, मतलब कि एक बोगी, तो मतलब एक कोच में दो बोगी रहती है। अब जो डिस्क ब्रेक की डिस्क रहती है इसका डायमीटर रहता है 640 mm का। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ब्रेक कैलिपर लगा रहता है। अब ये जो ब्रेक कैलिपर है ये डायरेक्टली ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर आपने ब्रेक सिस्टम वाली वीडियो को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ब्रेक सिलेंडर क्या है, और ये भी एयर ब्रेक्स ही हैं जिनमें जो प्रेशर रहता है वो रहता है 5 kg/cm² का। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। अब जो डिस्क रहती है उसके ऊपर ब्रेक कैलिपर कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है, और ये कुछ ऐसे डिजाइंड है कि हमेशा डिस्क से चिपका ही हुआ रहेगा। और अगर हमें डिस्क से ब्रेक्स को हटाना है तब जाके हमें इन्हें एयर प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब कि वो जो डिस्क है उससे ब्रेक कैलिपर को दूर करने के लिए हमें उससे एयर प्रेशर देना पड़ता है 5 kg/cm² का। और जो ब्रेक कैलिपर रहते हैं इनमें ब्रेक पैड ही लगे रहते हैं दोनों साइड में, जो कि ICF कोचेस में भी लगे रहते हैं, पर वो डायरेक्टली चक्के पे लगते हैं और एक डिस्क में लगते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि जब ब्रेक्स को रिलीज करना होगा तब हम उसमें एयर प्रेशर देंगे 5 kg/cm² का, पर अगर हमें ब्रेक्स को वापस से लगाना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम वो जो 5 kg/cm² का जो प्रेशर है उसे हम काफ़ी तेज़ी से कम कर देंगे, मतलब कि 1 kg, 2 kg, 2.5, वो लोको पायलट्स अपनी नीड्स के हिसाब से वो प्रेशर जो है पूरी ट्रेन का कम कर देते हैं। और जैसे ही वो प्रेशर कम होगा तो वो जो प्रेशर की वजह से ब्रेक कैलीपर ऊपर हट गया था वो ब्रेक कैलीपर प्रेशर के हटने से उसमें वापस से चिपक जाएगा, और जितना तेज़ी से हम प्रेशर कम करेंगे उतना तेज़ी से वो ब्रेक लगेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिस्क है इनमें कई सारे होल्स भी हैं बीच बीच में। अब आप सोच रहे होंगे ये होल्स किस लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इनमें ब्रेक्स रखते हैं तब काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अब उस हीट से इसे कुछ नुकसान ना पहुंचे इसलिए इसमें होल्स दिए रहते हैं, ताकि जो भी हीट बन रही है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल जाए बाहर। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स क्यों ज़रूरी थे। तो जैसा कि आप जानते हैं रेलवे अब सारी ट्रेन्स की स्पीड इंक्रीज़ करने की सोच रही है, मोस्टली ट्रेन्स को 160 km/h की स्पीड में इंक्रीज़ करना है। अब आप तो जानते ही हैं ये इंडिया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा, मतलब कि कोई भी ट्रैक में बीच में आ जाएगा, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई गाय, भैंस, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन कब आ जाए किसी को कोई पता नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में ट्रेन्स को भी बहुत जल्दी रुकना आना चाहिए, तो इस कारण से इसमें डिस्क ब्रेक्स लगाए गए। अब मैं आपको थोड़ा अंतर भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए कोई नॉर्मल ICF ट्रेन है जो कि अपने नॉर्मल स्पीड 110 की रफ्तार से चल रही है, पर इसमें अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो इसे रुकने में कई बार 2 से 3 किलोमीटर भी लग जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें LHB कोचेस की, तो ये अगर 160 की स्पीड में भी चल रहे हैं और अगर अचानक से ब्रेकिंग करी जाए, मतलब कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर में रुक जाएगी। अब आप सोचिए कि कितने एफिशिएंट ब्रेक्स होते हैं ये। पर हर चीज़ का कुछ नुकसान तो कुछ फ़ायदा होता है। अब इससे ट्रेन्स बहुत जल्दी तो रुकती है लेकिन इसका जो मेंटेनेंस होता है, मतलब डिस्क ब्रेक का, तो थोड़ा क्रिटिकल होता है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो ब्रेक सही इतना तेज़ी से लगा करते हैं कि कई बार जो चक्के हैं वो अपनी जगह पे घूम ही नहीं पाते हैं, तो पूरे पटरी पे घिसटते हुए चले जाते हैं, चिंगारी बनाते हुए, जिससे कि कई बार जो चक्के रहते हैं उनमें फ्लैट व्हील डेवलप हो जाता है कुछ ही टाइम में। अब जब भी फ्लैट व्हील डेवलप होगा तो अब चक्कों को चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, तो खट 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 आवाज़ करके चला करते हैं, जिससे कि इन्हें कई बार चेंज भी करना पड़ रहा है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ यही है कि ये बहुत जल्दी लगता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इनके बारे में। इनके हर चक्कों में एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, मतलब कि हर एक ब्रेक कैलिपर के ऊपर एक ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ होता है। और वहीं अगर हम बात करें ICF कोचेस की, तो उनमें एक एक्सल में एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता था। अब एक एक्सल मतलब कि दो व्हील्स पे एक ब्रेक सिलेंडर, मतलब कि अब ICF कोचेस में भी टोटल 4 एक्सल रहते हैं, तो उसमें टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर ही रहते थे। और वहीं LHB कोचेस में 8 ब्रेक सिलेंडर हो गए, क्योंकि हर चक्के में एक है, मतलब कि एक एक्सल में दो, तो 4 एक्सल में 4 × 2 = 8। तो अब आप ये भी समझे होंगे कि हर ब्रेक कैलिपर में अलग से ब्रेक सिलेंडर दिया गया है, जिससे कि हर एक का अपना अलग प्रेशर मेंटेन आराम से हो जाता है। इसलिए ट्रेन्स के ब्रेक्स बहुत जल्दी लगते हैं और बहुत जल्दी रिलीज भी होते हैं। तो ये फायदा था LHB कोचेस का। तो आई होप आज आप समझ गए होंगे कि LHB कोचेस के चक्कों में ये जो डिस्क ब्रेक होते हैं कैसे काम करते हैं, इन्हें क्यों लाया गया और ये कितने एफिशिएंट हैं। तो चलिए मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, जहां मैं आपको फिर से बहुत सारी जानकारियां बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।